Morning students, today we will learn about the chapter 4, that is Congo, the land of dense forests. Equatorial regions are hot and wet regions of the world. These are mostly covered with dense equatorial forests. The equatorial region include many countries of Africa, South America and Asia. But to know more about the influence of such unfavorable natural environment on the life of people, we select Congo, which is a very big country of Africa. The type of climate found here is called the tropical climate. So Congo क्या है? Congo हमारा एक देश है, है ना? कहाँ का? Africa का. और हम इस chapter के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम dense forests के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं. वहाँ का climate कैसा होता है, है ना? वहाँ forest कैसा होता है? So Congo is one of the कंट्री ऑफ साउथ ऑफ सॉरी ऑफ ऑफ अफ्रीका, है ना? जो इक्वेटोरियल हमारी जिस लाइन की हम बात करते हैं, तो वो इक्वेटोरियल लाइन हमारी बहुत सारे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज़ और एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में से क्रॉस होकर निकलती है. और जहाँ पर भी इक्वेटर होती है वहाँ पर गर्मी होती है, और जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ बारिश भी बहुत होती है. इस वजह से, गर्मी और नमी की वजह से, वहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत घने होते हैं, है ना? हरियाली वहाँ पर ज़्यादा होती है. सो इसीलिए हम लोगों ने कोंगो एक कंट्री सेलेक्ट की है, जो एक बहुत बड़ी कंट्री है अफ्रीका की, ताकि हम उसके बारे में पढ़ सकें. अनफेवरेबल नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है? और यहाँ पर जो कॉन्गो है वहाँ पर किस तरह का हमारा क्लाइमेट रहता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो नाम है, देश है, ये कहाँ पर स्थित है? इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका. ये अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में है, ठीक है? नीचे हमारे पास मैप दे रखा है, तो मैप में आप देख सकते हो कि कैसे इक्वेटर हमारे कंट्रीज़ में से, कई कॉन्टिनेंट्स में से होकर निकलती है, ठीक है ना? और इनफैक्ट में उसने दे रखा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे ZRA भी बोलते हैं, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका. ये अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है ना? सो ये उसने इस मैप में तो नहीं बताया है, लेट्स सी कि अगर कहीं और पे उसने दिखा रखा हो. सो दिस इज़ अफ्रीका. ये जो हमारा पूरा है ये अफ्रीका है. इसका जो वेस्टर्न साइड है, जो ये ग्रीन कलर में दिखा रहा है, गेस दिस इज़ ZRA, राइट? सो द इक्वेटर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ दिस कंट्री. अब आप देख सकते हो कि इस कंट्री के बीचों बीच में से इक्वेटर पास होकर निकलती है. द कंट्री कवर्स अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया. तो ये जो कंट्री है इसका पूरा टोटल एरिया कितना है? 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. ए मेजर पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट एंड लाइज ऑन द बेसिन ऑफ कॉन्गो. तो ये कंट्री जो है वो कहाँ पर, इस कंट्री में, अब जैसे इसने दिखाई रखा कि हरियाली है, तो मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ घने जंगल है, मतलब बहुत घने जंगल है. और ये कॉन्गो जो शायद नदी है, है ना? हाँ, कॉन्गो नदी के किनारे पर स्थित है. आपने नीचे इसने पिक्चर भी दिखा रखा है कॉन्गो नदी का. कॉन्गो इज़ अ बिग एंड इम्पोर्टेंट रिवर इन अफ्रीका. दिस रिवर इज़ नॉट नेविगेबल थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी नदी है, इतनी बड़ी कि इसकी जो नेविगेशन है वो भी हम लेंथ में माप नहीं पाए हैं कि कितनी बड़ी नदी है. बहुत बड़ी नदी है. द रिवर कॉन्गो इज़ द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, ठीक है? तो ये जो नदी है, ये कॉन्गो, वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आती है लंबाई में, और जो अफ्रीका की है वो सेकेंड लार्जेस्ट नदी है. दिस रिवर इज़ जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है? तो और भी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसमें आकर मिलती हैं. द रिवर कॉन्गो इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाईवे ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका. तो इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या है? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. Climate and vegetation. Now let's learn about the climate and vegetation of Congo. The climate of Congo, especially around the equator, is hot and wet all the year round. The average temperature in the equatorial region is 27 degrees Celsius and the total annual rainfall is 200 centimeters. It rains almost every day in the afternoons.
तो वो कहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पर इक्वेटर्स होती है वहाँ गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जैसे ही ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो ज़्यादा गर्मी की वजह से वहाँ बारिश भी जल्दी हो जाती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर गर्म और गीला मौसम रहता है। ज़्यादा वैसे वहाँ टेम्परेचर नहीं है, एवरेज टेम्परेचर वहाँ पर लगभग लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि एक मॉडरेट टेम्परेचर है। मतलब कभी हो सकता है ज़्यादा गर्मी होती हो, कभी ठंड होती हो, लेकिन एवरेज जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और रेनफॉल उसमें सालाना 200 सेंटीमीटर होती है, और लगभग लगभग हर दोपहर, जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है तो हर दोपहर को वहाँ पर बारिश हो जाती है। ये उन्होंने उसका फिजिकल फीचर समझा रखा है कि कोंगो का, कि कैसे आपके पास कौन कौन सी नदियाँ हैं और उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, पूरा फिजिकल फीचर्स उसके बता रखे हैं कौन कौन से। अब जैसे उन्होंने बता रखा है कि कितनी कितनी एल्टीट्यूड स्केल्स कितना है, हम स्केलिंग के बारे में बात किए थे ना पिछले चैप्टर में, तो स्केलिंग बता रखी है। ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्दर। द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, जस्ट लाइक आई सेड बिफोर। जैसे मैंने पहला बताया था, जो गर्मी भी मिल गई जो सूरज से हमें चाहिए होता है, और वाटर भी है, ह्यूमिडिटी है क्लाइमेट में, वेट ही रहता है, तो उसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। दिस इज़ वाई मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑलवेज कवर्ड विद रेन फॉरेस्ट। तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर जंगल बहुत, मतलब घने हरे भरे जंगल रहते हैं। द ट्रीज हेयर आर वेरी टॉल एंड फॉर्म ए कैनोपी विच प्रिवेंट्स सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। वहाँ इतने पेड़ हैं, इतने लंबे लंबे पेड़ हैं, और ऐसी वो एक कैनोपी बोलते हैं, ऐसी एक छतरी सी वो बना देते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो नीचे पहुँच ही नहीं पाती हैं। ऊंचे लंबे घने पेड़ होते हैं वहाँ पर, है ना, होता है ना, हमने कई बार देखा है कि इतने, कई बार इतने पेड़ होते हैं किसी जगह पर कि धूप में भी आपको एहसास नहीं होता कि धूप है ना, छाया उनकी काफ़ी अच्छी छाया रहती है। बिलो द ट्रीज ग्रो ए लार्ज नंबर ऑफ शर्ब्स एंड क्रीपर्स। तो जो अब जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, पेड़ों के नीचे भी वनस्पति उग जाती है, तो बहुत सारे शर्ब्स, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं वहाँ पे। स्पेशल फीचर ऑफ द ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट इज दैट दे आर एवरग्रीन। अब ऐसे पेड़ों की सबसे अच्छी खासियत क्या है, वो हमेशा सदाबहार रहते हैं। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम स्पीड। वो उन लोगों के पत्ते कभी झड़ते नहीं हैं, और मतलब या फिर गिरते हैं तो धीरे धीरे गिरते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो पतझड़ में बिल्कुल सारे पत्ते गिर जाते हैं उनके, है ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ते निरंतर थोड़े 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 टूटते रहते हैं, पर कभी ऐसा नहीं होता कि सारे ही पत्ते झड़ गए। सो दीज ट्रीज आर कॉल्ड एवर ग्रीन ट्रीज एंड हैंस दे फॉर्म इसीलिए, क्योंकि सारे पेड़ ऐसे हैं तो इसीलिए फॉरेस्ट कैसा कहा जाता है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है उसको, है ना। द टॉल एंड डेंस ट्रीज मेक द फॉरेस्ट ऑलमोस्ट डार्क इवन इन द डे टाइम। अब जब रोशनी ही नहीं पहुँच रही है, सनलाइट ही नहीं पहुँच रही है, तो दिन में भी अंधेरे जैसा लगता है। द फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू पास थ्रू देम। वो इतने घने जंगल है कि वहाँ से गुजरना भी मुश्किल लगता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड ह्यूमिड। और पर ऐसे ऐसे पार्ट्स भी हैं, सब जगह जंगल नहीं है, कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। सच पार्ट्स हैज डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। दीज आर द ग्रॉस लैंड्स विथ शो ट्रीज। दीज ग्रॉस लैंड्स आर कॉल्ड सवानास, राइट। तो अब सब जगह जंगल नहीं है इस कंट्री में, कुछ कुछ जगह है जहाँ पर थोड़े कम ह्यूमिडिटी है, कम गर्म है, तो वहाँ पर ग्रास लैंड्स है, ज़्यादातर घास रहती है और छोटे छोटे पेड़ हैं वहाँ पर, ज़्यादा घने पेड़ नहीं है, तो ऐसे ही जो जगहें होती हैं उन्हें स्वानास बोलते हैं। द ट्रीज ऑफ दीज डेंस और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल। अब देखो, जो घने जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो बहुत काम के होते हैं। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, महागोनी, सैंडलवुड, रबर, सिनकॉन, बैम्बू, पाम एट्सेट्रा आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ऐसे अब ऐसे जंगलों में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे जैसे कि चंदन के पेड़, ऐसे पेड़ जिसपे से रबर बनता है, बैम्बू के पेड़, पाम ट्रीज होते हैं, महागुनी होता है, तो महागुनी की लकड़ी होती है ना जो दरवाज़ फर्नीचर में काम आते हैं। सो दीज आर वेरी यूजफुल ट्रीज फाउंड इन दीज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। नाउ लेट्स रीड अबाउट द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब कि वहाँ पे जानवर कैसे मिलते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ कोंगो आर फुल ऑफ वेरियस पॉइजनस इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, मॉन्कीज, बैबून्स, गोरिल्लास, चिंपांजीज एटसेट्रा। अब क्योंकि घना जंगल है, घने जंगलों में जानवर भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर छुपने की जगह मिल जाती है, और देखो उनको भी गर्मी से बचाव मिलता है हर तरह का, और हर तरह के पौधे हैं तो सब उन्हें आराम से मिलता है, तो इसीलिए जानवर भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले होते हैं, ठीक है ना। तो
जैसे बटरफ्लाइज बहुत हैं, पक्षी बहुत होंगे वहाँ पे, ऐसे बबूंस, गोरिला, चिपेंजी, मतलब इतने वैरायटी के आपको वहाँ जानवर मिलेंगे। हिप्पोपोटामस, बियर्स, राइनोसोर्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड बुफेलोज, जिराफ्स एट्सेट्रा आर फाउंड इन द एरियाज वेयर फॉरेस्ट आर नॉट सो डेंस। जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं है वहाँ पे हाथी, जंगली भैंस, जिराफ, इस तरह के जानवर मिलते हैं ना, ज़्यादा घन जिन्हें, ये जो बड़े बड़े जानवर इनको थोड़े खुले डुल्ले जगह में घूमने की आदत होती है, इसलिए तो ये एलिफेंट हुआ, भैंसें हुई, जिराफ हुए, तो ये लोग, और हिपोपोटामस हुआ, तो ये सब लोग आपको थोड़े कम जो डेंस होते हैं फॉरेस्ट वहाँ पर मिलते हैं। ड्यू टू द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, कोंगो इज कॉल्ड द नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। अब वहाँ पर इतने जानवर हैं कि तो क्या कहा जाता है कि जैसे जू में हमें बहुत सारे जानवर दिखते हैं ना, ऐसे ही हम बोलते हैं कि वो पूरी दुनिया का नेचुरल जू है। किसी को वहाँ सब जानवर देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत आसानी से सब तरह के जानवर मिल जाते हैं। नाउ लेट्स रीड अबाउट द एग्रीकल्चर, कि खेती वहाँ कैसी होती है। फार्मिंग एंड माइनिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इन सम एरियाज ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ कोंगो पीपल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन बाई क्लीनिंग अ पैच ऑफ फॉरेस्ट। आफ्टर यूजिंग दिस पैच ऑफ लैंड फॉर 2 to 3 ईयर्स दे मूव टू अनदर फॉरेस्ट क्लीनिंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो यहाँ पर लोगों की जो मेन जो ऑक्यूपेशन है, मेन जो बिजनेस है, जो काम है, वो क्या है, खेती बाड़ी का और माइनिंग का। माइनिंग होती है ना, हम कोयला माइनिंग करते हैं कि खनिज पदार्थों का, है ना, कि खोद के उसमें से धरती में से निकालना। और लोग यहाँ क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, कि जाते हैं एक पैच क्लियर करते हैं। जैसे कुछ लोग जो, जैसे हमारे यहाँ बागड़ी ये बोला जाता है जिन्हें, कि वो निकलते हैं अपना सामान लेकर और एक फॉरेस्ट का थोड़ा सा पोर्शन वो क्लीन करते हैं, वहाँ पे अपना रहते हैं, वहाँ पर माइनिंग करते हैं, खेती करते हैं, 2-3 साल वहाँ रहते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं और फिर वही करते हैं, है ना। इट इज़ मेनली बिकॉज द सॉयल लूजेज इट्स फर्टिलिटी वेरी सून। दे ग्रो अ फ्यू सब्सिस्टेंस क्रॉप्स सच एज मेज, कसावा, बनानाज एट्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो धरती की उर्वरक शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप एक ही ज़मीन पे सेम ही तरह का अनाज उगाते रहोगे, जो हमारे यहाँ भी ये बोला जाता है कि हमें बदल बदल के अनाज लगाना चाहिए ताकि जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे, तो इसीलिए वो लोग कुछ ही क्रॉप्स लगाते हैं, जैसे मक्का, मेज़ हुआ, है ना, कसावा, केला, इस तरह की चीज़ें। कॉफ़ी, कोका, ओल पाम, शुगर केन, ग्राउंड नट, रबड़, कॉटन एंड टी आर सम कैश क्रॉप्स ग्रोन फॉर एक्सपोर्ट। और भी तरह की होती हैं, जैसे गन्ना, कॉफ़ी, कोका, ऑयल पाम, मूंगफली, रबड़, कॉटन और चाय पत्ती, ये सब भी लगाते हैं जिनको ज़्यादातर लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि वो लोग कैसे वेशभूषा रहती है, कैसे वो लोग एक कसावा, द स्टैपल फूड ऑफ, जो कसावा है वो वहाँ का मेन खाना है जो कोंगियन होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें इसने लिखा है, कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। द कसावा प्लांट हैज़ लॉन्ग फ्लैशी रूट्स और ट्यूबर्स अंडर द ग्राउंड। द ट्यूबर्स आर ड्राइड एंड फ्लोर इज मेड फ्रॉम देम। जैसे हमारे, जैसे आलू बैठता है, जैसे शकरकंदी बैठता है ज़मीन के नीचे, तो इसी तरह कसावा का जो पौधा है उसमें जो रूट होती है, जैसे उस, वही एक मेन चीज़ होती है, और उसको फिर सुखा के ये लोग आटा बनाते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड, लेट्स रीड अबाउट कि यहाँ पे किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, किस तरह का मार्केट है। इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री इंक्लूड टेक्सटाइल मिल्स, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, सॉप इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे उसने बताया कि खाना बनाने की हैं, कपड़ा बनाने की हैं, तेल बनाने की, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, साबुन बनाने की हैं एट्सेट्रा, सीमेंट, सिगरेट, मिनरल ऑयल, और ये भी कुछ अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर हैं। कोंगो इज़ रिच इन मिनरल्स। कतांगा प्रोविंस ऑफ कोंगो इज़ रिच इन डायमंड। वाओ, अब एक बात समझिए आप, जहाँ पर भी घने जंगल होंगे वहाँ पर, क्योंकि कार्बन डिपॉजिट हुए जा रहा है, ढोए जा रहा है, तो वहाँ पर कोयला भी ज़्यादा मिलता है और इसीलिए डायमंड्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो कोंगो जो है वहाँ पर डायमंड्स बहुत, मतलब अच्छा है, इसमें मिनरल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो कटंगा एक जगह है कोंगो में, वहाँ पर डायमंड्स बहुत मिलते हैं, सोना बहुत मिलता है, कोपर, टीन, मैंगनीज, यूरेनियम, सब कुछ वहाँ पर अच्छी मात्रा में है। मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड, और ज़्यादातर ऐसी मिनरल्स को ये लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैनी पीपल आर एंगेज इन माइनिंग, इसीलिए वहाँ पर माइनिंग जो है वो अच्छा काम है, लोग बहुत सब लोग माइनिंग करते हैं। कोंगो इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्सेज टू, बट दीज रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज फुली, है ना। वहाँ पर पानी भी प्रचुर मात्रा में, अब जहाँ इतना बारिश होगा वहाँ पर पानी भी प्रचुर मात्रा में मिलेगा।
इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय बिल्डिंग सम डैम्स ऑन रिवर्स एंड वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन. बिजली भी बनाई जाती है पानी से और पानी इरीगेशन में भी यूज होता है. लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्गो आर ब्लैक. दे हैव ब्लैक शॉर्ट कर्ली हेयर. अगर आप लोगों की बात की जाए कि वहाँ के लोग कैसे दिखाई देते हैं, आपको पता है इक्वेटोरियल रीजन्स और अफ्रीका में जो इक्वेटर्स होती हैं उनके पास में जो लोग होते हैं उनका रंग जो होता है वो थोड़ा काला होता है ना, और कर्ली हेयर्स होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं हाइट में. इस तरह का लोगों का अपीयरेंस होता है वहाँ पर. कॉन्गो इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड. वहाँ पर बहुत लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेस लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट. और ज़्यादातर लोग जो भी रहते हैं वो भी जंगलों में रहते हैं, है ना, जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं. सॉरी, ए नंबर ऑफ ट्राइब्स लिव हियर. और बहुत सारी ट्राइब्स, मतलब क्या कहते हैं उन्हें, ट्राइब्स होती हैं, अपने झुंड बनाकर लोग वहाँ पर रहते हैं, है ना, काबिले बनाकर रहते हैं सब लोग. अ नंबर ऑफ ट्राइब्स लिव हियर. द बंटू इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब. तो बंटू जो है वो सबसे बड़ी ट्राइब है यहाँ पर, है ना. बंटू पीपल आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर. ये लोग थोड़े लंबे होते हैं. जैसे हमने बात की कि जनरली वहाँ पर ज़्यादातर लोग छोटे थे, लेकिन बंटू के जो काबिले के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं और उनके बाल छल्लेदार होते हैं. पाइगमीज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कॉन्गो आर प्राइमेटिव ट्राइब. ठीक है, तो पाइगमीज, देखो इनके नाम थोड़े डिफरेंट है ना पढ़ने में. पाइगमीज जो होते हैं वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, कि ये जो काबिला है ये हमेशा मतलब यहीं के हैं. और कुछ लोग होते हैं जो कहीं और से आगे बस जाते हैं लोगों, लेकिन ये लोग यहीं के हैं और ये बहुत बड़ी ट्राइब है. दे लिव इन डेंस फॉरेस्ट. ये बहुत घने जंगलों में रहते हैं. दे आर गुड हंटर्स. अब देखो, जंगलों में रहेंगे तो उन्हें ऑब्वियस ही बात है कि उन्हें अच्छा हंटर होना पड़ेगा. दे आर शॉर्ट इन हाइट. ये लोग थोड़े छोटे होते हैं. देयर एवरेज हाइट इज़ इवन लेस देन 1.5 meters, मतलब 5 feet से भी थोड़े छोटे होते हैं. दे डिपेंड मेनली ऑन हंटिंग फिशिंग. ये लोग ज़्यादातर फिशिंग पे और हंटिंग पे ही डिपेंड करते हैं. एंड कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ वाइल्ड ट्रीज. और फ्रूट और रूट्स जो है वो जंगलों से ही लेकर आते हैं. दे ईट इवन वाइट एंट्स एंड बीज. ये लोग सफ़ेद चींटी और मक्खियाँ तक खा जाते हैं. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ बनानास. और वो लोग बनाना बहुत पसंद करते हैं. दे आर वेरी गुड बॉमैन. ये लोग बहुत अच्छे तीरंदाज होते हैं. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फियरलेस एंड डेयरिंग. और ये बहुत मजबूत होते हैं, डरते नहीं हैं और सामना करते हैं हर चीज़ का. वो देखो, उन्हें रहना ही पड़ेगा क्योंकि जंगलों में रह रहे हैं, तो उन्हें डर के काम नहीं चलेगा. दे लिव इन स्मॉल हट्स मेड ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. वो घर, अपना जो घर है वो पेड़ों की शाखाओं से ही बनाते हैं. दे वियर अ स्ट्रिप ऑफ बार्क और स्किन क्लोथ और ए बंच ऑफ लीव्स अराउंड देयर वेस्ट. ये लोग क्या पहनते हैं, जैसे किसी की स्किन पहन ली, किसी का पत्तों का पहन लिया, है ना, जैसे आदिवासी पहनते हैं कबीला. दे यूज़ बोज एंड एरोज एंड शॉर्ट स्पीयर्स एज देयर वेपन्स. ये लोग तीर, कमान और ये सब यूज़ करते हैं अपने हथियार के लिए. द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर आर बंटू, इंग्लिश एंड फ्रेंच. तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, बंटू बोली जाती है. बंटू इनकी अपनी कोई लोकल लैंग्वेज होगी. इंग्लिश बोली जाती है और फ्रेंच भी बोली जाती है. पीपल ऑल्सो स्पीक लोकल लैंग्वेजेस लाइक साहिली, लिंगला, इशिलुबा, की कोंगा एट्सेट्रा. तो ये अलग अलग नाम है भाषाओं के जो लोग यहाँ पर बोलते हैं. अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की. देखो, किसी भी देश के बारे में हमने उनका वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा, लोगों की जीवन शैली के बारे में पढ़ा, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, है ना, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा. अब हम जानना चाह रहे हैं कि वो लोग कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करते हैं. बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नॉट वेल प्रोग्रेस. क्योंकि वहाँ बहुत जंगल हैं, लोग कम हैं, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं है और कम्युनिकेशन जैसे फ़ोन के नेटवर्क्स या ये सब चीज़ें कोई ज़्यादा नहीं है. कॉन्गोज रेलवे ऑपरेट मोस्टली इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जो कॉन्गो का रेलवे है वो ज़्यादातर देश का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, दक्षिण और पूर्वी, उसमें ही ज़्यादातर चलता है. एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल इन द कंट्री. ऐसे तो मतलब प्लेन्स भी चलते हैं. एयर ट्रांसपोर्ट जॉइंस कॉन्गोज मेजर सिटीज एंड कनेक्ट किनशासा विद सेवरल कंट्रीज इन अफ्रीका एंड यूरोप.
किंशासा सिटी की फोटो देखो देखो, वैसे हमने यहाँ के सिर्फ जंगलों के बारे में पढ़ा तो आपके माइंड में एक इमेज बनी होगी कि अरे शायद से बहुत ज़्यादा जंगल ही जंगल है। नहीं, यहाँ पर शहर भी हैं, जंगल भी होंगे लेकिन शहर भी हैं। तो शहरों में किंशासा सिटी जो है बहुत बड़ी सिटी है, देखो कितनी वेल डेवलप्ड सिटी है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट है और ये बहुत सारे मेन जो कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के और यूरोप के, उनसे यहाँ से फ़्लाइट्स आती जाती हैं, ठीक है ना। Nowadays, radio, television as well satellite communication facilities are also available in Congo. A number of daily newspapers are published and distributed in Congo. अब रेडियो, टेलीविज़न, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, हर तरह की चीज़ें कोंगो में हैं आजकल और धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रगति पर है, और न्यूज़पेपर भी डेली पब्लिश होते हैं। किंशासा इज़ द कैपिटल एंड द बिगेस्ट सिटी ऑफ कोंगो। किंशासा जैसे दिख ही रहा है हमें कि ये यहाँ की राजधानी है कोंगो की और बहुत बड़ी बड़ा शहर भी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कोंगो। ये रिवर कोंगो के ही तट पर स्थित है। आप देख सकते हो यहाँ से साइड से एक बहुत बड़ा रिवर जा रहा है, लुबुमबाशी की सांगनी एंड कनांगे आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़। ये भी कुछ सिटीज़ के नाम है, देखो नाम बोलने में थोड़ा टफ हो रहा है। मतादी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। और अब जहाँ रिवर के किनारे है, समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ पर तट भी होते हैं, पोर्ट भी हैं। तो मतादी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट है कि ये समुद्री जो आना जाना है या उस पर फिशिंग करते हैं तो वो भी तटी भी है यहाँ पर। इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कोंगो रिवर। तो ये जो मटाडी पोर्ट है वो भी कोंगो रिवर के तट पर स्थित है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू द पर्सनल डिक्शनरी। आप जैसे इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, एवरग्रीन फ्रोजेस क्या होते हैं, पिग्मी क्या होता है, ये सब मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आप इनको एक बार फिर से पढ़िएगा। थैंक यू।